हमारे ग्रुप राइड का चौथा दिन एंड द नज़ारा स्टिल कंटिन्यूज। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कल्पा। अब मज़ेदार बात यह है कि मैं ये वीडियो ना पहले अपने खिड़की से शूट करने वाला था, हमारा रूम यहीं नीचे है, लेकिन फिर अचानक से डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा तू छत के ऊपर चल, वहाँ से कर। तो हमने सोचा चलो एक ट्राई मारते हैं, हमें क्या पता था यहाँ तो नज़ारे और ज़बरदस्त हैं। तो अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा है तो आपको मालूम होगा कि हम लोग कल सांगला से कल्पा आ गए। कल की राइड बहुत आरामदायक रही, लेकिन आज की राइड जो है वो लंबी है। आज हमको करना है 200 किलोमीटर कंप्लीट। हम लोग आज जाने वाले हैं काजा, जो आपने टाइटल में ऑलरेडी देखा हुआ है। और भाई सही में आज की जो सुबह है ये आप देख ही सकते हो। तो अभी टाइम हो रहा है 7:11। बस अभी का प्लान इतना है कि यार अभी जाके ना अपने को करना है चेन लूप। और पिछले वाले शॉट में हम थे टेरेस पे, ये वाले शॉट में हम हैं रूम में। इसका कारण ये है कि यार मैं सुबह ऊपर हम अपने लेके गए हैं गोप्रो को, और हमारा जो गोप्रो है वो 45% पे बैटरी लो बोल के बंद हो गया। गोप्रो हीरो 9 की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसा कुछ कुछ मेरे को लद्दाख वाले टाइम पे भी देखने मिला था, जब हम थोड़ा ज़्यादा ठंड वाले एरिया में जा रहे थे तब गोप्रो ऐसे जल्दी बंद हो जा रहा था। जाते हैं, तैयारी करते हैं, बैग वगैरह पैक करते हैं, आज सफ़र थोड़ा सा लंबा है। ये बस वाले भी आज मेरे को वीडियो नहीं बनाने देंगे। तो अभी का सीन अब ऐसा है कि टाइम हो रहा है 8:39। थोड़ी देर में हो सकता है निकलेंगे। चांसेस हैं कि आज थोड़ा सा हम लेट निकलें, क्योंकि जो अभी मौसम है उसने विजिबिलिटी थोड़ी कम करी रखी हुई है ना, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। ब्रेकफास्ट अपना हो गया है, जो मेरे रूममेट से बोला अभी ब्रेकफास्ट एरिया में ही बैठे हुए। मैं ऊपर आ गया था अपना थोड़ा सामान समेटने के लिए, जो गोप्रो की बैटरीज है वो सब चार्ज करनी, क्योंकि सुबह से अब मैंने काफ़ी टाइम लैप्स बना दिए हैं, तो इनमें भी अब चार्ज ज़्यादा बचा नहीं है। तो अभी वही करते हैं, सामान वगैरह लोड करते हैं, जब निकलते रहेंगे तब मिलते हैं, ठीक है। द राइड स्टार्ट्स। और भाई एक ना मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, मेरा ना समय कैमरा अंदर था तो मैं दिखा नहीं पा रहा था, वो है किन्नौर कैलाश पीक। सुबह सुबह से इतना ज़्यादा बादल था कि मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था कि यार अब दिखाऊंगा, लेकिन यार वो बादल हट नहीं रहे थे। महादेव ने अभी थोड़ा सा मौका दिया कि बोले अब जाते जाते काम करो, तुम दर्शन कर लो और चल दो। कैमरा में तो ऑब्वियसली नहीं दिख रहा होगा, गोप्रो में, लेकिन हमको दिख रहा है। सुबह से मैं अपना कैमरा निकाल के रख दिया था, फिर अभी सोचा कि यार बारिश कम है तो वापस लगा लेते हैं, इनकेस अगर ऐसा लगता है बारिश बढ़ रही है तो फिर रख देंगे अंदर, अब क्या कर सकते हैं भाई। मतलब ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में ना हमारी रोड बादल के थ्रू ही पार हो जाएगी। फॉग देख रहे हो, ये तो मैं चाह रहा था कि ये हो। ये देखो सामने अब, और क्या बात है, अब मौसम क्लियर हो गया, सूर्य देवता दर्शन दे रहे हैं बादलों के बीच से। तो ये आ गए अपन NH5 में, और ये जो NH5 है अब ये जाएगा टुवर्ड्स काजा। यहाँ से जो रोड है ये पूरा का पूरा जो रोड है ये हमने कल यहाँ से गए थे अपन कल्पा, और सेम रूट में वापस उतरे नीचे। ऐसा सिस्टम है, इधर जाना पड़ेगा, 5 मिनट की दूरी पे है, चलो इधर, क्योंकि 1 घंटे बाद आएगा। चलो देखो अपना कार्यक्रम हो गया फिनिश, रेन गियर हमने उतार दिया है, अब हमारी बॉडी सांस ले सकती है, और अब देखते हैं ये भाई साहब के सैडल से क्या हुआ है। निखिल भाई का सैडल स्टे टूट गया है, तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है वहाँ से, नहीं तो वो कभी भी टूट के गिर सकता है। तो बस वही चल रहा है अभी। A few moments later. चलो उनका काम हो गया, बढ़ते हैं आगे। और यार ये ना बहुत एक बदतमीजी हो रही है हमारे साथ। बदतमीजी का मतलब ये है कि जैसे हमने अपना रेन गियर वगैरह उतारा, ये फोन के ऊपर से पॉलिथीन वगैरह निकाला, वापस से बूंदाबांदी शुरू हुई। यहाँ भी यार काफी पत्थर वगैरह गिर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। क्या बात है, आह क्या बात है भाई, शानदार। लग रहा ना एक नंबर। एक छोटा सा अपडेट है, अपडेट कुछ ऐसा है कि वैसे तो मैं और निखिल भाई आगे निकल गए थे, लेकिन
उनको बैकअप व्हीकल से कॉल आया है कि वो लोग जो पीछे पेट्रोल पंप में गए हैं वहाँ उन लोगों को कैन वगैरह तो नहीं मिला उनके पास बैकअप में भरने के लिए, तो वो बोल रहे हैं कि आप लोग अपना फुल टैंक करा लो। अभी अपन मैं निकल भाई जा रहे वापस, बस और कुछ नहीं। क्या हुआ, चलो आगे। हाँ वहाँ जाना है पेट्रोल पंप पीछे, अभी आएंगे रास्ते में, देखते देखते जाएंगे। भाई साहब ग्लव्स गिर गए एक। ये अपन आ गए पेट्रोल पंप जहाँ पे अपना वो बैकअप व्हीकल खड़ा था, जहाँ इनका सैडल से लग रहा था वही पास में ही था। पेट्रोल रिफिल करा के अपन निकल गए आगे। अब एक छोटा सा काम है वो ये है कि यार इनकी ग्लव्स जो है वो रास्ते में कहीं गिर गई है, वो एक बार नज़र दौड़ाते हुए जाना है, क्या पता पता चल जाए। यहाँ से देखना शुरू करना है। जहाँ सुसु करने गए थे वहाँ देख लो एक बार, नहीं तो मैं एक काम करता हूँ अब उधर देख के आओ, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, क्या पता नजर आ जाए। मिला, अरे चलो बढ़िया, अब आराम से आगे बढ़ सकते हैं। यहीं से हम लोग वापस गए थे, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ से अपन स्पीड अपना पकड़ सकते हैं क्योंकि अब अपन काफी पीछे, ट्राई करते हैं टीम को पकड़ने का, चांस तो कम है, पकड़ तो नहीं पाएंगे जाहिर सी बात है। रोड मिगामा इन द लैंड ऑफ लामा। आई गेस अभी अपन गुजर रहे हैं पू विलेज से। ये कौन है जिसने पू को मुड़क नहीं दिया। तो भैया आ गए, कहाँ गए हम बताते हैं कहाँ गए। ये है खाप ब्रिज। अब मैं आपको क्यों स्पेसिफिकली बता रहा हूँ ये खाप ब्रिज है, क्योंकि भैया यही वो पॉइंट है जहाँ पे होता है संगम। ये आ रही हमारी सतलज रिवर और वहां से आ रहा है स्पीति। तो ऐसा मन में विचार आया कि यार जब यहाँ पे रुकी गए तो थोड़ा सा रुक के चाय पी लेते हैं, क्योंकि तो वैसे भी सुबह से अपन खाली पेट निकले हुए हैं, तो बस ऐसे चाय वगैरह ऑर्डर किया, थोड़ा सा चाय पीते हैं, यहाँ पे मस्त नदी की आवाज़ को सुनते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। ये है खाप ब्रिज। और यहाँ थोड़ी देर पहले से ऐसा हो गया कि अब जो स्ट्रक्चर है पहाड़ों के, अब इसमें वेजिटेशन आपको पेड़ पौधे वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे। ये देखो एकदम सूखे बंजर, कुछ नहीं है, खाली है। इसके पहले तक दिख रहे थे हरे भरे कल्पा वगैरह, अब इधर नहीं है। और यहाँ पे फोटो सेशन चालू है, क्या बात। तो पहली बात तो राइड और डाई, तीसरी बात नो बकवास। हाँ। इतना गर्मी हो रहा है बकायदा। हाँ। कि ऐसा लग रहा है थर्मल भी निकाल दूं। अरे पहना हो तो निकाल दूं मैं भी, बहुत गर्मी हो रहा है भाई। पहने निकाल दूं इसको। हमको किस बंदे ने बोला था सुबह सुबह रेनकोट पहन लो, सब पहन लो, बहुत गलत बोला था। वो बारिश हो रही थी यार। अरे थोड़ा सा बारिश हो रहा था लेकिन हमारे ब्लॉगर भैया ने बता दिया था कि बारिश की बड़ी संभावना है, कृपया कहां से बारिश आएगी इतना धूप हम लेके चले। जैसा हमने रेनकोट वगैरह पहन के निकले तो ये देखो ये हुआ एकदम, मतलब धूप आ गई। और जब रेनकोट वगैरह उतार दिए फिर थोड़ी देर फिर भी बारिश हुई हल्की हल्की, ताकि हम डरे, लेकिन हम लोग डरे नहीं इस बार क्योंकि झुकेगा नहीं साला। हाँ तो अपना हो गया भाई खाप ब्रिज पे चाय और एक पैकेट बिस्किट, थोड़ा बिस्किट पेट में गया, चाय के साथ थोड़ा ठीक लग रहा है अभी। चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ एक और छोटा सा अपडेट, अब जो नदी बगल में आपको दिख रही है वो है स्पीति, अब सतलज रिवर नहीं दिखेगा बगल में, अब स्पीति दिखेगी। जा रहा है ऊपर रोड, वहां तक जाना है सुमडो 57। ठीक है घाटा लूप का कॉपी बनाया हुआ है क्या, तो अपन लगता है अपन टॉप पे पहुंच गए। इसके बाद अब जो रोड है वो ऊपर नहीं जा रही है, सीधा सीधा यहाँ के एकदम पहाड़ रेतीले लग रहे हैं, एकदम रेतीले, ऐसा लग रहा है कि बस ये रेत कभी भी ऐसा ठह सकती है। चढ़ान शुरू हो गया है, फोर्थ गियर में खींच नहीं पा रहा है गाड़ी, क्या बात है लगा ताका चल। यार सीरियसली ये रास्ता सोचता कौन है कि इन पहाड़ों से रास्ता जाएगा ना, कोई 14 किलोमीटर, ओके इन पहाड़ों से जाएगा रास्ता और इन फिर पहाड़ों को काटना है ताकि वो रास्ता बन सके। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आहा, क्या वैली दिख रहा है उसके उस तरफ भाई, काफ़ी तेज़ हवा है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा, ज़्यादा देर यहाँ पे रुकते नहीं है, जल्दी एक फ़ोटो लेते निकलते हैं। पत्थर गिरा है लगता है ऊपर से, अभी अब लग रहा है कि टॉप शायद पूरा आ गया है, बाकी पता नहीं थोड़ी देर में पता चलेगा। थोड़ी देर पहले ही मेरे को लग रहा टॉप आ गया लेकिन टॉप आया नहीं था।
नहीं भाई साहब, अभी भी और ऊपर जाना बाकी है। हाँ वो देखो, वो है रास्ता जाने का, वो जा रहे हैं लोग। देखते हैं यार, अब भूख लग रहा है, कहीं रोक के ना खाना वाना खाया जाए। अपनी टीम तो बहुत ही आगे होगी, टीम को पकड़ना तो मुश्किल लग रहा है मेरे को। कहाँ थे आप लोग, कहाँ थे? आ रहा आ रहा, धीरे धीरे आ रहा है, आ रहा है। अरे डला लिया ना हम तो वहाँ, हाँ वो भी फुल कराया, जहाँ से अपन बढ़े ना आगे। इलो रूपा के तरफ चले गए थे, लो बहक गए थे रूपा नाम पढ़ के। चलो कुछ खाते यार, भूख लग रहा है, सुबह से नाश्ता नहीं किया मैं। हम लोग अभी बैकअप आ रही है, पेट्रोल डलवा के एक स्टॉप मारेंगे टाबो, उसके बाद सीधा काजा, ठीक है? काफी देर की मेहनत के बाद पहुंचे नागपुर, और अभी एक ढाबे में रुके कुछ खाने के लिए। सुबह से कुछ खाया नहीं, भूख लग रहा है। एक वेज मोमोज और एक चाय ऑर्डर किया। सब ने अपने अपने स्टिकर्स लगाए हुए हैं, ये देख के मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को भी स्टिकर ले आना था, अपन भी कुछ लगा दिए होते। खाने का वेट करते हैं, चाय पीते हैं, कमजोरी सी आ रही बिना चाय के। नाश्ता नहीं, खाना हो गया, ग्लव्स पहन के रेडी, बढ़ते हैं आगे। वो थी जगह जहाँ पे हम लोग खा रहे थे, वेलकम टू सोमांग ढाबा। थोड़ा थोड़ा खाली पेट रहने की वजह से हल्का हल्का हेडेक शुरू हो गया था, अभी ठीक लग रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज आ गई है लगता है, मलिंग नाला शूटिंग स्टोन जोन, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी खास मेरे हिसाब से, है ना। वाटर क्रॉसिंग आज दिन का मेरे को लगता है एकमात्र ही है, इसके बाद तो और कोई वाटर क्रॉसिंग नहीं आने वाला है। यहाँ लगता है रोड का काम चालू है, तो जब तक काम चालू है भाई तब तक तो रास्ता खराब रह गई। यार हवा तो बहुत तेज है यार, ऐसा फील हो रहा है ऐसे हवा मेरे को पीछे ढकेल रही है। ओए 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 ओए, इस 14 किलोमीटर आ गए अपन मस्त वाले रोडा में, मस्त वाले रोडा। और यार बारिश आ रही है, ओ ओ ओ माय गॉड, बारिश आ रही, बारिश आ रही, बारिश आ रही। टाबो 41, लारी 37, ओ बाबा बाबा बाबा, स्पीति रिवर जस्ट बगल में बह रही है भाई, ये खाई समझ लो से खत्म होगा और नीचे स्पीति रिवर है। ओ बाबा, देखने का भी हिम्मत नहीं हो रहा मेरा खास। रोड बहुत सकरा है यार, थोड़ी चौड़ी रोड होती तो एक बार मैं आराम से हिम्मत करके देख भी लेता। अच्छा ये आ गया, ये ग्यू मॉनेस्ट्री जाता है ये वाला रोड। अरे बस 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 हो गया। यार यार सीरियसली, सारे पहाड़ देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ से पत्थर अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा लग रहा है, और इनफैक्ट गिर भी रहा है आज तो, मतलब बहुत जगह देख लिया अपन। तो अभी बाकी राइडर्स का वेट कर रहे हैं, ये एक डाइवर्जन जैसे थोड़ा सा है, हालांकि ये क्लियर है कि यही वाले रोड पे आना है, बट स्टिल तो सबके सब यहीं बैठे हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सर डॉक्टर साहब आ गए, वो एक गाड़ी पीछे और दिख रही, ठीक है चलो। अरे स्लिप हो गया था गाड़ी, अभी कहाँ था, 59 किलोमीटर और मैप में दिखा रहा है 60, मतलब ऑलमोस्ट सेम। 2 घंटा बोल रहा है यार, मैं तो 1.5 घंटा सोच रहा था, 7:15 बोल रहा हूँ, अपन 8 बजे तक पहुँचेंगे, कुछ नहीं। वाह यार ये वैन तो बड़ा सही लग रहा है। मस्त दिख रहा था ये तो, मे बी टाबो में एक आध ब्रेक मिलेगा, बीच में एक चट्टान रखा है, दोनों तरफ से पानी बह रहा है उसके, बहुत सही भाई बहुत सही। तो अच्छा तो अपन पहुँच गए लारी, टाबो में रुक के एक सेकेंड अपना रेन गियर ऊपर का पहन लेते हैं भाई, नीचे पैंट वाला नहीं तो ऊपर वाला ही पहन लेते हैं, क्योंकि ठंडी हवा लग रही है अब, ठंडी हवा। तो अपन पहुंच गए हैं टाबो, टाबो में हमन का पाबो, दिस इज टाबो ब्रिज, क्या बात है, ठंडा लग रहा है बाबा, ठंडा लग रहा है, रेन लाइनर चढ़ा लो जल्द से जल्द। अभी जस्ट टाबो से थोड़ा आगे ही निकले हैं, थोड़ा सा एकदम यार ठंड लग रही हल्की हल्की, मैं सोच रहा हूँ अपना रेन लाइनर ऊपर वाला कम से कम पहन लूँ,
तो थोड़ा ये एयर ब्लॉक तो करे, क्योंकि अभी पहुंचने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटे हैं, मतलब 7:30 तो बजना ही बजना है अपने को। जब 7:30 बजना ही है तो अपने आप को तैयार कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, है नहीं। एक तो राइडिंग जैकेट के ऊपर इसको पहनना ना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। इतनी मेहनत पूछो मत। आप थोड़ा ठीक सा लग रहा है, मतलब अभी थोड़ा रेन लाइनर अपना पहन लिए हैं। बहुत देर में सोचा कि थोड़ा और चला लेता हूँ अपन ऐसे पीछे हैं, चला लेते हैं फिर पहनेंगे। फिर मैं बोला यार या तो यहाँ रुकना है या तो आगे जाके कहीं पे रुकना तो है इसको पहनने के लिए। आज करे सो अब पल में ठंड बढ़ेगी, रेनकोट पहनने का कब। अभी अपन पहुँचे हैं पो विलेज, पहले पू था, POOH, अभी थोड़ा दूर तक आए एक ओ गायब हो गया, अब वो पो हो गया। टोटल आज का डिस्टेंस यार हमने कवर कर लिया है 208 किलोमीटर, और अभी भी 30 किलोमीटर बाकी है। अंधेरा हो गया है अब मजा आएगा, ऑफ रोड और अंधेरा का कॉम्बिनेशन। 2 दिन से क्या हो रहा था ना, अपन बड़ा आरामदायक राइड कर रहे थे, नारकंडा से सांगला से कल्पा, एकदम आरामदायक, थ्रिल नहीं आ रहा था, अब थ्रिल आ रहा है। अब ये जो पहाड़ है ना बड़े बड़े, जिस सुबह जिनकी हम तारीफ कर रहे थे, अब यही डरावने लगने लगते हैं। काजा इज 29 किलोमीटर्स, बाताल 115, अभी तो नहीं, बाताल बाद में जाएंगे भाई। अब तो बिल्कुल नदी की तरफ देखने का हिम्मत ही नहीं हो रहा है। सुबह जितना हम एडमायर कर रहे थे ना एकदम, आह क्या दिख रहा है, क्या कलर है, क्या फ्लो है, आह, अब बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रहा है। अब सिर्फ सामने देखना और कहीं नहीं देखना। पता नहीं यार गोपरों में अब कितना दिख रहा होगा, वैसे तो काफ़ी अंधेरा हो गया पर थोड़ी लाइट है आई गेस, थोड़ा तो अभी और दिख जाएगा। इससे आगे अंधेरा जैसे बढ़ेगा ना तब मैं फिर गोप्रो ऑफ कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर कुछ खास दिखेगा नहीं। आहा भैया, पूर्णतः अंधेरा हो चुका है, कंप्लीट डार्क, और बस मैं और डॉक्टर साहब हम दोनों धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, पीछे ही है भाई। अभी ना बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, पता नहीं माइक में आवाज़ आ रहा है कि नहीं, पर मेरे को एकदम हवा टकराती हुई फील हो रही ना, एकदम टकरा रही है हेलमेट से, हम लोग मतलब मेरे से। भैया काफ़ी देर चलाने के बाद अभी यहाँ से 18 किलोमीटर रह गया वैसे तो, लेकिन अपनी टीम यहाँ बैठी है। अरे सर कहाँ है सर? सर आज तो आप एकदम जलवा दिखाती है। अरे मतलब आप गायब दिखे ही नहीं। अरे अरे क्या बात है। लुंगटी में बैठे हमारे टीम वाले क्या पी रहे? सी भक्त हॉन कैसे है? वेरी गुड, वेरी नाइस, मस्त लग रहा है, मस्त है। ये पी के देखो, अब चाय लेंगे? नहीं नहीं, इसीलिए मैं चाय ही पीऊंगा, क्या पता मैं सही नहीं पिया तो। नहीं सर, एक टेस्ट ले लो। हाँ अच्छा लो, इतना फोर्स कर रहे हो तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। डोंगोर जो फाटली ना, मस्त लग रहा है। आगे करण पीछे ये हेडलाइट ही नहीं है, हाँ इनको पूरी अपना हेडलाइट वाली ट्रीटमेंट मिल रही है, आगे दो गाड़ी लाइट। अच्छा वीआईपी, एकदम वीआईपी, भाई वीआईपी ट्रीटमेंट। हम लोग, मैं बताऊँ, मैं कल से सोच रहा था कि यार 2 दिन से ना राइड बहुत आसान हो गई है करके, आज सही होता हूँ, मजा आ रहा है। भाई जी, एक तो इन्होंने मेरी बीच में फाड़ दी भाई, टर्न, एक तो मेरी ब्रेक नहीं, मैं आराम आराम से तो रुक, इन्होंने 2 हॉर्न मारे। मैंने कहा यार लगता है कोई पीछे रह गया, मैंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी रोकी, मैंने कहा क्या हुआ, कहते कुछ नहीं। तो अभी लुंगटी से अपन सबके सब टीम वाले एक साथ निकल गए, कोशिश यही रही कि सब साथ में चलाएं, ज़्यादा गैप ना आए क्योंकि अब अंधेरा हो गया। वैसे एक बात बोलूं, हो सकता है हर कोई इस चीज़ को एंजॉय ना कर रहा हो, लेकिन ऐसे टीम को साथ में चलते हुए देख के मज़ा अलग आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो अभी अपन पहुँच गए काजा सिटी में, अपने होटल का लोकेशन हमने डाल दिया, होटल है यहाँ से अराउंड 6 किलोमीटर और, तो बस बढ़ रहे हैं आगे धीरे धीरे। आई लव स्पीति, क्या बात है, शानदार। सो फाइनली आराम से पहुंच गए हम लोग स्पीति सरायन रिजॉर्ट, रात के 8:20 मोरिया। चलो बहुत बढ़िया। ये देखो, एक
किधर है? हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस छे। तो आज की हमारे रूम में दो दो रूम है, एक के साथ एक फ्री। तो भाई फाइनली काफी सारी मेहनत के बाद 8:30 के आसपास अपन पहुंच गए काजा में अपने होटल। होटल का नाम है स्पीति सराय इन रिजॉर्ट। थोड़ा सा ये 5-6 किलोमीटर आगे है मेन काजा सिटी से, लेकिन आज चलाने में मजा आया। मतलब आज लिटरली ऐसा फील हुआ कि आज निकले राइड पे। दो दिन से ना काफी कैसा लाइट दो दिन से ऐसा काफी लग रहा था कि यार राइड काफी आसान जा रही थी। मतलब ऐसा नहीं एंजॉय नहीं कर रहे थे, पर आसान जा रही थी। लेकिन आज थोड़ा सा डिफिकल्टी आई और डिफिकल्टी में आया मजा। पर आज रात में ऐसा हुआ कि सारी टीम वाले साथ में गाड़ी चलाए हैं कि नहीं, क्या बोलते हो, कैसा लगा? बहुत अच्छा, कैसा लगा? बहुत खूबसूरत सफर था, एकदम एकदम मस्त। तो भाई इस वीडियो को करते हैं खत्म, क्योंकि आज का दिन हो गया लंबा। वीडियो भी हो सकता है हो जाएगा लंबा, वो तो एडिट करेंगे तब समझ में आएगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। कल भी हम काजा में रहने वाले हैं और काजा के आसपास ही चीज़ें घूमने वाले हैं, और वो कहाँ घूमने वाले हैं वो आपको अगली वीडियो के टाइटल वगैरह में वैसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक, खाओ पियो सो जाओ। हाँ सही बोले, खाओ पियो सो जाओ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, राइड सेफ एंड लिव योर लाइफ फुल थ्रॉटल।